भारतीय मूल के 5 क्रिकेटर जिन्होंने की दूसरे देश की कप्तानी। भारत ने क्रिकेट को कई महान खिलाड़ी दिए हैं, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, MS धोनी, विराट कोहली और कपिल देव जैसे कुछ इसके उदाहरण हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम 5 ऐसे खिलाड़ियों की बात करेंगे जो भारतीय मूल के थे लेकिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश की कप्तानी की थी। पहले नंबर पे हैं नासिर हुसैन, इंग्लैंड। इंग्लैंड के पूर्व महान बल्लेबाज और कप्तान नासिर हुसैन का जन्म चेन्नई में हुआ था। उन्होंने 1989 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था। माइकल एथरटन के संन्यास के बाद उन्हें इंग्लैंड का कप्तान नियुक्त किया गया। नंबर 2 में आते हैं रोहन कन्हई, वेस्टइंडीज़। वेस्टइंडीज़ के पूर्व बल्लेबाज रोहन कन्हई 70 के दशक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। भारतीय मूल के वेस्ट इंडियन खिलाड़ी कन्हई ने 1957 में डेब्यू किया था और 1974 में संन्यास का ऐलान किया था। उनकी कप्तानी में वेस्टइंडीज़ को 3 टेस्ट में जीत मिली जबकि 7 टेस्ट ड्रॉ रहे थे। नंबर 3 हासिम अमला, साउथ अफ्रीका। पूर्व दिग्गज हासिम अमला कई वर्षों तक साउथ अफ्रीका टीम की बल्लेबाजी यूनिट के प्रमुख अंग रहे हैं। अमला के पूर्वज भारत के गुजरात से संबंध रखते थे जो कि कई वर्षों पहले अफ्रीका में आकर बस गए थे। अमला ने साउथ अफ्रीका के लिए 14 टेस्ट में कप्तानी की जिसमें 4 में जीत और 4 में हार मिली। नंबर 4 आशीष बगई, कनाडा। दिल्ली में जन्मे आशीष बगई ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत कनाडा टीम से की और जल्द ही उन्हें टीम का कप्तान बना दिया गया। बगई ने अपने 6 वर्षों के कप्तानी करियर में कुल 62 वनडे और 9 T20 मैचों में कप्तानी की। नंबर 5 आसिफ करीम, केन्या। केन्या के बंदरगाह मोम्बासा के एक छोटे से टाउन से आने वाले आसिफ करीम ने अपने अंतर्राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की। उन्होंने 21 वनडे मैचों में केन्या की कप्तानी की जिस दौरान 6 मैचों में टीम को जीत मिली। करीम ने 2003 विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टार्स 828 को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।